पांडू प्रखंड में रितेश विश्वकर्मा हत्याकांड का मामला काफी उग्र होता जा रहा है। हर तरफ सभी जाति धर्म के लोग इसके आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पांडू थाना प्रभारी धूमा किस्कू की माने तो रितेश विश्वकर्मा हत्याकांड का मामला पांडू थाने में दर्ज कर लिया गया है, जिसका हत्याकांड संख्या 1/2022 बताई जा रही है। परंतु इस मामले में पांडू पुलिस की सुस्ती के कारण विश्वकर्मा समाज समेत पांडू प्रखंड के लोग काफी उग्र हैं। विश्वकर्मा समाज पलामू इकाई की माने तो पांडू पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही, जिसके कारण आज रितेश विश्वकर्मा अपहरण कांड आज हत्या में बदल गया। आगे समाज के लोगों ने कहा कि पांडू पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले एवं जितना जल्द हो सके आरोपी को गिरफ्तार करे, वरना बाध्य होकर विश्वकर्मा समाज पूरे पांडू प्रखंड वासियों के साथ सड़क पर उतरेंगे। जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिलकर अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रखने का काम करेंगे। रितेश विश्वकर्मा हत्याकांड में मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और जो उसमें गुनहगार हैं उनको जांच कर सजा दें, नहीं तो झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज पलामू इकाई उग्र आंदोलन करेगी और पूरे पलामू जिले के विश्वकर्मा समाज के साथ, चाहे वो जिले में एसपी से मिलना हो, डीसी से मिलना हो या झारखंड प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के पास क्यों न जाना हो, विश्वकर्मा समाज एकता के साथ रितेश विश्वकर्मा उर्फ छोटू विश्वकर्मा हत्याकांड में कहीं भी जाने के लिए, किसी तरह के आंदोलन करने के लिए तैयार है। एक बार पुनः हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, पांडू थाना प्रभारी महोदय से, कि आप तत्परता दिखाते हुए इस हत्याकांड में संलिप्त दोषियों के ऊपर कार्रवाई करें, वरना विश्वकर्मा समाज पलामू इकाई उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। मैं लव कुमार विश्वकर्मा, जिला महासचिव, झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज पलामू से मांग है कि दोषी को अविलंब जितना जल्दी हो गिरफ्तार करे और इस तरह का घटना को, इस तरह का गिरफ्तारी होकर के सजा मिले कि ताकि और आगे चल करके इस तरह का घटना देने में लोग सोचें, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। प्रशासन इसको तत्परित है, इसको करके दोषी को सजा होना चाहिए, वैसा सजा हो कि ताकि क्षेत्र में फिर ऐसा घटना का अंजाम कोई न दे सके।